शुक्रवार को साक्षर भारत योजना अंतर्गत संविदा प्रेरक शिक्षक संघ की बैठक मजदूर संघ कार्यालय में हुई संपन्न, समस्याओं पर हुई चर्चा। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10 जुलाई को साक्षरता संविदा प्रेरक बचाओ अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम विरासत गार्डन महारानी कॉलेज के पास इटौरा में रखा गया है, जिसमें रीवा जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। इनका कहना है कि संविदा प्रेरक पिछले 5 वर्ष से कार्यरत हैं, न उनका स्थायीकरण किया गया और न ही उनका मानदेय बढ़ाया गया। इस समस्या को लेकर सभी संविदा प्रेरक अपनी समस्या जनप्रतिनिधियों के सामने रखेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री तक उनकी बात रखकर उनके निराकरण की मांग करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में प्रेरक बचाओ अभियान के तहत कार्यक्रम रखा जा रहा है, तो आज हमारे रीवा जिला के सभी ब्लॉक अध्यक्ष एवं सक्रिय प्रेरक लोगों की आज बैठक ली गई, जिसमें 10 तारीख को प्रेरक बचाओ अभियान की जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें सबकी सहमति ली गई है। और हम लोगों की आज 6 वर्ष से संविदा पर काम कर रहे हैं, ना आज तक हमारी संविदा नीति पे जोड़ा गया, ना स्थायीकरण किया गया, ना हम लोगों की मानदेय बढ़ाई गई।